वक्त हम जा रहे हैं ननकाना साहब, और ये ननकाना के इंटर होने की जगह वेलकम टू ननकाना साहब, जो कि यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इमरान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गप्पू टेंशन व्लॉग। आज हम आपको सैर करवाएंगे ननकाना साहब की, जो कि अपना एक ख़ास मकाम रखता है गुरु नानक के हवाले से, और हम कोशिश करेंगे कि गुरु नानक के जो उनका बनाया हुआ है गुरुद्वारा, तो उसके अंदर तक की हम वीडियो बना सकें। हालांकि वहां पर बनाने नहीं देते वीडियो, क्योंकि वहां पाबंदी लगाई हुई है। हम कोशिश करेंगे कि अगर उसके अंदर की हम वीडियो बना सकें तो बनाएंगे ज़रूर, वरना हम आपको उसके शहर की खूबसूरती दिखा सकते हैं, वो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर किया दें। तो हम पहुंच चुके हैं ननकाना साहब के जो हेड है गोगीरा ब्रांच का, उसके साथ पहुंच चुके हैं। ये उसका व्यू चेक कर लें। अभी हम जा रहे हैं ननकाना साहब, और ननकाना साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शहर है, और हम आज आपको दिखाएंगे उसकी खूबसूरती। और सबसे बड़ी बात कि ननकाना के इंटर होते ही आपको जगह जगह पे जो बोर्ड नज़र आएंगे उस पर आपको हिंदी ज़बान में लाजमी हर चीज़ लिखी हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो यहाँ मेहमान वगैरह आते हैं, ख़ासकर इंडिया से जो आते हैं, तो ये उनके लिए लिखा जाता है ताकि उनको गाइडनेस के लिए, उनकी गाइडनेस के लिए, मतलब कि अगर उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मसला मसाइल उनका ना हो। तो ये आपने पीछे भी देखा होगा, मैंने जहाँ बोर्ड दिखाया है वहाँ पर भी आपने देखा होगा, वहाँ पर भी हिंदी ज़बान में लिखा हुआ है, और आगे भी बहुत से बोर्ड हमने देखे हैं जिनकी वीडियो हमने नहीं बनाई, लेकिन बहुत से बोर्ड देखे हैं जहाँ पर के हमने लिखा हुआ देखा है, जहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है वहीं पर हिंदी में भी साथ लिखा हुआ है, उर्दू में भी साथ लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छी काविश है। वारिस साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये उस ब्रिज है उसका हेड का, और पानी का शोर आप सुन रहे होंगे, ये देख रहे हैं। मुझे तो पानी देखकर ही बहुत डर लगता है, ख़ासकर गहरा पानी हो तो मुझे बहुत डर लगता है, और बहुत पुरसकून जगह है, सिर्फ पानी का शोर है और कोई चीज़ यहाँ नहीं है। ये दो तीन लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ, बहुत इधर उधर सारा सरसब्ज और शादाब इलाका है, हर तरफ इनके दरख्त वगैरह हैं और खेती बाड़ी हुई है, बस उसके अलावा यहाँ कोई मकान वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत पुरसकून जगह है। ये ननकाना साहब का रेलवे स्टेशन, जो कि मैं पहले भी एक वीडियो में दिखा चुका हूँ और इसकी मुकम्मल सैर करवा चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, और ये ननकाना साहब के बिल्कुल इनके शुरू में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह ये बैरियर लगाए गए हैं, तार लगाई गई है, ये सिर्फ मेहमानों की सेफ्टी के लिए जो बैरून मुल्क से आते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आमदोरफ बैरून मुल्क से आने वालों की होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए सड़क के तकरीबन इर्द गिर्द ये जहाँ तक जा रहा है हमारी नज़र, वहाँ तक ये सेफ्टी के लिए तार लगाई गई है सड़क के दोनों तरफ।
हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है आज। हम गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं और मोटरसाइकिल हमने स्टैंड पर लगा दिया है। हेलो भाई, हेलो भाई, ये मोटरसाइकिल का थोड़ी देर ख्याल रखें, एंट्री अंदर जाने ही नहीं देते। क्यों, जुम्मे की वजह से? तो जी हमने इतना सफ़र भी किया है और ये कह रहे हैं कि ये अंदर जाने ही नहीं दे रहे जुम्मे की वजह से। पता नहीं क्या मसला है, क्योंकि हम पिछली मरतबा आए थे तो जुम्मे का ही दिन था और हम अंदर गए थे और घूम के रहते, लेकिन आज पता नहीं क्या मसला है, अंदर नहीं जाने दे रहे। हम बाहर से यहाँ का वीडियो करा देते हैं, हमारा सफ़र भी रायगां गया। बारिश का शौक देख लें, बाजी तो नहीं रही। इसमें कोई इमरान नाम का कोई ढूंढ दे, इमरान। एहतशाम शाकिर साहब, अमजद साहब, इमरान नाम का नहीं मिल रहा यार, बाकी तो सारे मिल गए हैं। इमरान नाम का हमें नहीं मिला, बाकी सारे ही पड़े हुए हैं यहाँ पर।